आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोहे की रेसिपी, इंदौरी पोहे की रेसिपी। चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दाल की कटोरी के हिसाब से हमने 4 कटोरी पोहे को भिगो दिया है और अब इसमें हम चीनी डालेंगे। इंदौरी पोहे में चीनी ज़रूर डलती है। हमने करीब 1.5 चम्मच टेबल स्पून चीनी की डाली है और इसे हम अभी भिगोने के लिए रख देंगे इस तरह से साइड में। और हम तैयारी करेंगे अब प्याज की, हरी मिर्ची की और नींबू के रस की। हमने इन्हें बारीक काट लिया है और हमारे पोहे को भीगे हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इधर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हम थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा ना डालें। और फिर जीरे राई का हम तड़का लगाएंगे इसमें और हरी मिर्ची और फिर प्याज डालेंगे। अब इन्हें अच्छा फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाए तो हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे। नमक हमने पोहे के हिसाब से डाला है। ये थोड़े पक जाएंगे तब हम इसमें पोहे को डाल देंगे। पोहे हमारे बहुत अच्छे भीग चुके हैं, अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। आज हमने गैस की धीमी रख रखी है। और इसे अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे और पकाएंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से स्टीम आ जाए इसमें। 2 बड़े चम्मच हमने इसे पानी का डाला है और इसे ढक के हम स्टीम दे देंगे। और अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। स्टीम देने से थोड़े से सॉफ्ट और हो गए हैं और बिखरे बिखरे हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये पूरी तरह से अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए से पोहे बहुत ही सुंदर लगते हैं और टेस्ट तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम इसे नमकीन और प्याज के साथ सर्व करेंगे। अगर नमकीन भी लौंग वाली हो तो बहुत अच्छी लगेगा इसका टेस्ट। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा झटपट बनके तैयार होने वाली इस पोहे की विधि को। मुझे पूरा विश्वास है इंदौरी पोहे बनाने की विधि आपको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि ये क्विक रेसिपी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।